अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इसमें कितने नंबर ऑफ वेरिएबल हैं। तो यहाँ पर फोर वेरिएबल हैं, यही चेक करना था। तो सबसे पहले फोर अगर वेरिएबल हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक 16 बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 16 बॉक्स बना दिए। इसके बाद हमें पता है फोर वेरिएबल है, तो यहाँ हो जाएगा ए बी और यहाँ सी डी। यहाँ पर लिखना है तो ए बी और ए बी बार, यानी 0 0 0 1। 0 0 माने ए बार बी बार, फिर हो जाएगा 0 1 यानी ए बार और बी हो जाएगा ए बार बी होगा। ठीक है, फिर ए बी हो जाएगा, फिर ए बी बार। इधर लिखना है तो सी डी बार 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, इसके बाद हमें पता है बॉक्स डिसाइड करने हैं। तो बॉक्स आपको पता है, याद होने चाहिए। यहाँ पे क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसका मतलब ये बॉक्स इतना जो भी पैटर्न है ये आपका सभी क्वेश्चन में क्या होगा, कॉमन होगा। ये अगर कॉमन होगा तो अब क्वेश्चन क्या बचता है, जो भी नंबर है उनको फिल कर लो। यहाँ पर इतना क्वेश्चन कॉमन होगा सब में, जो भी आपका सोल्यूशन आएगा यहाँ पर। तो 0 की जगह 1 1 की जगह 1 3 की जगह 1 सॉरी 3 की जगह 1। यहाँ पर 2 में अगर 1 हो गया तो यहाँ पर 2 एक नंबर लिख देते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया। 5 की जगह 1, 5 कहाँ पर है, ये है। ठीक है, 7 की जगह 1 है। ठीक है, 8 की जगह यहाँ पर 1 है, 12 1 है, 14 1 है, 15 1 है। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब इस क्वेश्चन को भी देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़ा ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे, यानी 16 का बनाएंगे। यहाँ पर 16 का ग्रुप एक नहीं बनेगा क्योंकि ये सब खाली है, इसलिए नहीं बनेगा। इसका मतलब 4 का बनाने का कोशिश करें, या फिर इसके पहले 8 का बनाने की कोशिश करें। 8 का ये बन जाता ग्रुप इन दोनों को मिला के ऐसे, अगर यहाँ पर 1 होता और यहाँ पर 1 होता, बट नहीं है। अब क्या करेंगे, 4 का बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग सभी लोग देख रहे होंगे ये सीधी लाइन पे 4 1 है, तो सीधे सीधे यहाँ पर एक 4 का ग्रुप बन गया। ठीक है, फिर कोशिश करिए, अभी बहुत सारे 1 बचे हुए हैं आपके पास। तो अगर यहाँ पर बहुत सारे 1 बचे हुए हैं तो हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। इस पे आ जाइए, ये 1 और ये 1, अगर इन दोनों 1 को देखें तो मैंने बताया सीधे ले सकता है यहाँ पर, तो ये ऊपर वालों से क्या ले लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। तो 1 4 का ग्रुप ये बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, ये 1 और ये 1, अगर यहाँ 1 होता तो ये लाइन से 4 बन जाते, बट नहीं है। तो सबसे पहले एक ये बन जाएगा, यहाँ पे एक ग्रुप बन जाएगा। इसका मतलब एक ग्रुप आपके पास ये वाला बन जाएगा। अब कितने 1 बचे, अभी आपके पास 2 1 है, तो इन 2 1 को क्या करो, आपस में ऐसे बना दो, क्योंकि 4 का नहीं बन पाएगा। अगर ये 1 यहाँ 1 होता तो ये 4 के बन जाते, इसलिए ये बनेगा। तो आप लोग देख सकते हो कि आपके सारे 1 कंप्लीट हो गए। अब हमें क्या लिखना है, इसकी इक्वेशन लिखना है, यानी सभी ग्रुप का यहाँ आंसर लिखना है। तो सबसे पहले 4 का देखिए, तो यहाँ पे 4 1 है सबसे ऊपर, तो चारों बॉक्स में अपनी उंगलियां रखो, सबसे पहले हॉरिजेंटल लाओ, तो क्या मिलेगा आपको, ए बार बी बार, 4 का आ गया प्लस। ठीक है, फिर इस 4 का देखिए, 1 2 3 4, ये वाला 4, तो यहाँ पे रखिए, तो इधर आएंगे यहाँ पे, तो ए बार बी ए बी बार, ए बार बी बार, और यहाँ से बनने मिलेगा ए बार बी, कॉमन क्या हो जाएगा, ए बार। इस 4 के लिए इधर आएंगे तो यहाँ से ए बार कॉमन निकल आएगा। इसी 4 से ऊपर जाएंगे, सी बार डी मिलेगा, सी डी मिलेगा। इस ग्रुप की बात कर रहे हैं ब्लू वाले की, तो यहाँ से कॉमन निकलेगा डी, इस ग्रुप का आंसर हो गया प्लस। इसका देखिए, यहाँ पे उंगलियाँ रखिए, हॉरिजॉन्टल आइए, हॉरिजॉन्टल आएंगे तो कॉमन क्या मिलेगा, ए, ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा, सी बार डी बार। इसकी देखिए, इधर आएंगे तो क्या मिलेगा, ए बी, ऊपर जाएंगे तो क्या कॉमन मिल रहा है, सी। ये इक्वेशन हो गई,
ये आपकी आ गई लॉजिक इक्वेशन, यानी लॉजिक फंक्शन, लॉजिक फंक्शन से लॉजिक इक्वेशन आ गई। और अब इसको हम डिजाइन करेंगे, इसका हम सर्किट डिजाइन करेंगे। तो अगर इसका सर्किट डिजाइन करें तो देखिए यहाँ पर एक ये बंच है, एक ये बंच है, एक ये बंच है, एक ये बंच है। इसका ये मतलब हुआ कि इसमें 4 नंबर ऑफ एंड गेट लगेंगे। तो एक हमने एंड गेट यहाँ पे लगा दिया, एक हमने एंड गेट यहाँ पे लगा दिया, एक हमने एंड गेट यहाँ पे लगा दिया और एक हमने एंड गेट यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ये तो हमारे एंड गेट आ गए, 4 नंबर ऑफ एंड गेट, क्योंकि यह 4 बंच है। ठीक है, इसमें इनपुट क्या जा रहा है, ए बार। ए बार के लिए हम क्या करेंगे, ए नॉट गेट लगाएंगे और यहाँ दे देंगे। फिर जा रहा है बी बार, तो बी नॉट गेट लगाएंगे, यहाँ दे देंगे। ठीक है, इस पे जा रहा है ए बार, ए नॉट गेट लगाएंगे, यहाँ दे देंगे। यहाँ से ले सकते हैं बट ऐसे देख लेते हैं। डी जा रहा है तो यहाँ डी डायरेक्ट दे दिया। इस पे देखें, ए जा रहा है, ए दे दिया। सी जा रहा है, नॉट गेट लगाया, सी दे दिया, सी बार हो जाएगा। यहाँ डी जा रहा है, नॉट गेट लगाया, यहाँ दे दिया, तो डी बार हो गया। इस पे देखें, ए जा रहा है, बी जा रहा है, सी जा रहा है। ठीक है, तो कंप्लीट हो गए। आपको यहाँ पर ए बार बी बार मिल जाएगा, यहाँ पर ए बार डी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मिल जाएगा ए सी बार डी बार, यहाँ पे मिल जाएगा ए बी सी। अब इन चारों को देखिए, यहाँ पर ऐड करना है। ऐड किससे करते हैं, और गेट से। तो यहाँ पर एक हम क्या कर देंगे, और गेट लगा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए, हमने ये यहाँ पे कर दिया, ये कर दिया, सिंपली ये आके यहाँ चला गया और सबसे लास्ट में ये आकर यहाँ चला गया। चारों आ गए, फिर यहाँ पे हमें वाई मिल जाएगा। तो दिस इज योर लॉजिक सर्किट। इसका ये मतलब है कि आप जितना बड़ा ग्रुप बनाएंगे वो उतनी छोटी इक्वेशन आएगी, उतनी छोटी इक्वेशन आएगी तो उतना ही छोटा आपका सर्किट बनेगा। तो दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन ऑफ के मैप। आई होप सबके समझ में आ गया होगा। सो अगर ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है, कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन के मैप विथ एग्जाम्पल, तो अपने आप से हमें एक फंक्शन ले लेना है। यहाँ पर कोई सा भी फंक्शन ले लीजिए आप, सिंपल सा। आप उसके लिए फ्री हैं कि आप कितने नंबर ले रहे हैं। अगर सिर्फ 4 नंबर ले लीजिए, यहाँ फिल करिए, उसका ग्रुप बनाइए और वो आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।